गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम का क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में आप देखेंगे क्लास नंबर 4, जिसमें आप सब लोग एक अंक वाली जो संख्या है उसकी बड़ी और छोटी, दो अंक वाली जो संख्या बनेगी उसमें छोटी और बड़ी, उसी प्रकार से तीन अंकों की छोटी बड़ी, चार अंकों की छोटी बड़ी, पांच अंकों की छोटी बड़ी संख्या के बारे में आप एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए ये बहुत सिंपल क्लासेज है, फिर भी आप सब लोग बता दूं कि कम्पिटिटिव क्लासेज में और एक एक करके वन बाय वन करके अध्ययन करने के लिए इन सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखेंगे एकदम आसान तरीका से। सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है कि एक अंक वाली जो संख्या है उसकी सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। तो आप जानिएगा कि एक अंकों की जो छोटी संख्या होगी वो आपको एक होगा। अगर हम बात करेंगे एक अंकों की जो बड़ी संख्या है वो कितनी होगी, तो आपको 9 होगा। एक अंकों की जो कुल संख्या होगी ये कैसे निकलेगा भाई, तो आपको मैं बता दें कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या आपको प्लस एक करना पड़ेगा। मतलब हुआ कि 9 घटाओ एक करना होगा और प्लस एक कर दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक हो जाएगा, मतलब आपको 9 हो जाएगा। देखिए अगर कोई संख्या निकालना पड़ता है कुल संख्या कितनी होगी, तो जो अधिकतम होगा उसमें से न्यूनतम को घटा लेना पड़ता है और अंतिम में प्लस एक कर देना होता है। अब आराम से आप इसको मिला लीजिएगा कि भाई देखिए अगर एक से नौ छोटी से एक है और बड़ी 9 है, यानी कुल कितनी है, 9 है। अगर आप सोचेंगे कि हम 9 तुरंत कैसे ज्ञात करें, तो 9 घटा एक की जगह तो 8 आ जाएगा, जबकि हमको पता है कि एक से 9 तक पे कुल 9 होते हैं। तो इसलिए आपको 9 घटा एक करके प्लस एक कर लीजिए, सूत्र बन जाएगा इस संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस 1। हाँ एक बात आपको हम कहेंगे कि कभी अगर आप बनाना चाहेंगे बहुत जल्दीबाजी में, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें पहले ही एक जोड़ दीजिए तो 9 × 10 हो जाएगा, 10 में एक घटा दीजिएगा आपको 9 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो अंकों की जो है, दो अंकों वाली उस सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो देखिए दो अंकों वाली भी तो उस पर दो अंक होना चाहिए, तो 9 तो बड़ी थी, एक आगे बढ़ेंगे आपको 10 मिलेगा। अब देखिए 10 में दो डिजिट है और इससे दो डिजिट से कम वाली संख्या नहीं बन सकती है, तो ये 10 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। अगर दो अंक वाली हम बात करेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 99 हो जाएगा, उसके बाद 100 हो जाएगा जो तीन अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। हाँ अगर देखिएगा दो अंकों वाली जो संख्या होगी कुल कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है आपको, 99 घटाओ 10 कर लीजिए और प्लस एक कर लीजिए। देखिएगा 89 प्लस एक हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 90। आप चाहेंगे तो 99 में पहले से एक जोड़ लीजिए, 100 हो जाएगा, 100 घटाओ 10 कीजिए आपको 90 उत्तर आ जाएगा। अब आगे देखिएगा तीन अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो होती है 100, 100 होती है। अब आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तीन अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो पूछा है, वो कितनी होगी भाई, तो आपको याद रखिएगा जितना भी बड़ी पूछेगा उतना आपको 9 लिखना पड़ेगा, 3 × 9 आप लिख दीजिए 999। और छोटी कितना था बाबू, छोटी कितनी थी, 100 थी, याद कीजिएगा। अब देखिए अगर पूछता है कि तीन अंकों वाली जो संख्या होगी कुल कितनी होगी, तो 999 घटाओ 100 कर लीजिएगा आपको आ जाएगा, और जो भी आएगा उस पर प्लस आपको एक करना होगा, इसको याद रखिए। प्लस एक कर दीजिएगा तो आपको उत्तर हो जाएगा कितना भाई, 899 प्लस एक हो जाएगा, मतलब 900 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा उसी प्रकार से आपको निकालना है चार अंकों वाली,
आप एक लिख लीजिएगा और 3 जीरो लगाइए, 4 अंक हो गया। ये सबसे छोटी है, अगर 4 अंक वाली सबसे बड़ी पूछेगा तो आपको 4 को 9 लिख देना होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखिए, अगर कुल संख्या पूछेगा जो 4 अंक वाली कुल कितनी होगी, तो 4 को 9 में से आपको 1000 घटाना है और प्लस क्या करना होगा, +1 करना होगा, तो कितना बचेगा भाई, आप एकदम आराम से देखिएगा, 9 9 9, 8999 +1 कीजिएगा, जब जोड़िएगा आप देखिए कितना आएगा, आपको 9000 आ जाएगा, एकदम आराम से इतना कर लीजिए। उसी प्रकार से आप देखेंगे, अगर 5 अंकों की बात किया है कि 5 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आप एक लिख लीजिएगा और 5 को 0, 4 0 लगा दीजिएगा, तो आपको 5 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। 5 अंकों से बड़ी पूछेगा यानी आपको 5 को 9 लिखना पड़ेगा। अब देखिए, 5 अंकों की जो कुल संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, बस कुछ नहीं करना है, 5 को 9 लिख लीजिए, घटाओ 10000 लिख लीजिए, और आपको प्लस कितना करना होगा, +1 करना होगा। चलिए तो कितना बचेगा भाई, अब देखिए, 9 9 9 9 8 +1 कीजिएगा, कितना चलाएगा, टोटल आएगा आपको 90000 चलाएगा। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कुल संख्या आपको निकल जाएगी, आराम से इसको आप बना लीजिए। रुकिए थोड़ा सा, बता दे रहे आप लोग, और देखिए 90000 है, ऐसे लिखिएगा। चलिए अब आइए, कुछ प्रश्न आपको दिए हैं नॉर्मल तरीका से, बस तो सीखने के व्यू से, कोई सवाल टफ नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। पूछा है कि 1 से 10 तक कितनी संख्या होगी, 1 से 10 तक में कुल कितनी संख्या होगी, तो इसका मतलब होता है कि 1 भी लिया है और 10 भी लिया है, 1 से 10 तक मैंने टोटल कोई के छोड़ा नहीं गया है, तो आपको क्या करना होगा, 10 घटाओ 1 कर दीजिएगा और +1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 घटाओ 1 कर दीजिएगा, देख लीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 1 है, क्या लिखा हुआ है, 1 से 10 तक कितनी संख्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, अधिकतम में से न्यूनतम घटा देना है और आपको +1 कर देना है, तो बचेगा 9 + 1 = 10, आंसर हो जाएगा देखिए कितना भाई, आपको डी। अब सोचना ये आपको है कि सर 1 से 10 तक बोला, इसका मतलब हुआ कि 1 और 10 दोनों को लेना है, किसको छोड़ना नहीं है, शुरुआत 1 से करनी है और 10 तक हमको पहुंचना है। अब देखिए आगे, ये देखिए इस सवाल को देखिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें बोला है 1 से नहीं बोला, 1 और 10 के बीच बोला है, एकदम साफ, छोटे छोटे सवाल से नियम को सीखना चाहिए, 1 और 10 के बीच बोला है, तक नहीं बोला, 1 से 10 तक नहीं बोला, 1 और 10 के बीच बोला है, तो जस्ट देखिए अगर तक नहीं बोला है तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी घटाओ छोटी करना है और उस पे से भी 1 आपको कम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें दोनों के बीच बोला है, यानी 1 और 10 के बीच बोला है, तो 9 घटाओ 1 कर लीजिएगा, इक्वल उत्तर हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, कितना आसान है आप सोच सकते नहीं भाई, बस खाली एक बार देखना चाहिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या बोला, 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या होगी, तो भाई एवं बोला है, मैंने और बोला है, बीच बोला है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 500 घटाओ 200 करेंगे और -1 कर देंगे, क्यों कर देंगे सर,
क्योंकि दोनों के बीच बोला था दोनों को हमको छोड़ना होगा। तो भाई देखिए ये 300 घटाओ 1 होगा यानी 299 इसका उत्तर हो जाएगा। किधर है भाई, उत्तर ए हो जाएगा इसका। अब आगे आइए, ये देखिए चौथा बोला है 100 से 800 के बीच तक बोला है ना, तक बोला इसमें, जब तक बोला बीच बोला तो अंतर है बाबू, यानी 100 से लेना है और 800 तक जाना है, तो कुछ नहीं तक बोला है तो कुल पूछा, तो 800 घटाओ 100 तो करेंगे, लेकिन हम लोग क्या फिर करेंगे याद कीजिएगा, प्लस 1 कर लेंगे तो 700 बचेगा, 700 प्लस 1 करेंगे इक्वल कितना हो जाएगा 701, कौन मिला हुआ है सी में मिला हुआ है, दैट इज का हुआ ही उत्तर हो गया। अच्छा देखिए इसमें आंसर जो है सी डी दोनों एक ही लिखा गया है, अब कुछ नहीं सी लगाइए या डी लगाइए, 701 इसका आंसर होगा। चलिए धन्यवाद, ये बहुत छोटी टॉपिक थी, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और आराम से एकदम बिल्कुल एक एक करके आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। कंप्लीट मैथ रखा गया है, 0 से हम आपको हाई लेवल तक की मैथ क्लास कराई जाएगी, कहीं से आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगा, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को भी सीखने का प्रयास करना चाहिए। चलिए धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके। हाँ एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोग को बताएं कि चैनल पर आइए और मैथ को आसानी से पूरा करने का प्रयास कीजिए। दैट्स ऑल, ओके।